नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अग्रोहा धाम के दर्शन करवाएंगे। ये आप अग्रोहा धाम का मुख्य द्वार देख रहे हैं। ये धाम अगर वंशों का पावन धाम है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस धाम में अद्भुत कारीगरी की गई है। इन स्तंभों पर कारीगरी आप देख पा रहे हैं। ये धाम का बहुत खुला प्रांगण है। साथ ही यहाँ आने जाने वालों के लिए रहने की उचित व्यवस्था की गई है। इस धाम का निर्माण सन 1976 से प्रारंभ हुआ था और निर्माण लगातार जारी है। महाराजा अग्रसेन द्वारा निर्मित इस धाम का, इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। आइए आज आपको अंदर से दर्शन करवाएंगे अग्रोहा धाम के। नमस्कार दोस्तों, हमारा एकमात्र प्रयास है आपको पौराणिक स्थल व धार्मिक स्थल दिखाने का। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा धाम में, जहां पर श्री अग्रसेन महाराज का बहुत विशाल मंदिर है। महाराजा अग्रसेन के बारे में कुछ विस्तार से मैं आपको बता दूं। महाराजा अग्रसेन का जन्म श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी राजा वल्लभ सेन व माँ भगवती के यहाँ हुआ। इनके जन्म के समय ही गर्ग ऋषि ने इनके पिताश्री को बता दिया था कि इनका जन्म किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। ये एक दिन बहुत बड़े राजा बनेंगे व इनका नाम हजारों वर्ष बाद भी अमर रहेगा। बताते हैं कि राजा अग्रसेन महाराज ने दो शादियां की थी, दोनों ही नाग कन्याएं, एक का नाम माधवी और एक का नाम सुद्रावती। इनसे इनके पुत्र हुए 18। 18 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम विभु हुआ। इन्होंने कुल 18 यज्ञ करवाए। जब 18वां यज्ञ चल रहा था तो पशु बलि दे जा रही थी। उस समय महाराजा अग्रसेन के मन में घृणा उत्पन्न हुई कि पशु बलि गलत है। तो उन्होंने मन में ठाना कि मेरे वंश के सभी जो वंशज होंगे वो अहिंसा धर्म को अपनाएंगे और नर बलि नहीं दी जाएगी, वे शाकाहारी रहेंगे। तो आइए, ये हमने महाराज अग्रसेन के बारे में जाना। अभी हम अग्रोहा धाम के अंदर मौजूद हैं और मंदिर को विस्तार से दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक। आइए, एक रुपया एक ईंट का सिद्धांत तो आप सब जानते ही होंगे। बताया जाता है कि महाराज अग्रसेन के द्वारा उनके गांव में बसने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए यह सिद्धांत बनाया गया था कि कोई भी नया व्यक्ति उस गांव में आता है तो वहां के रहने वाले जितने भी ग्रामीण लोग होते थे वो आने वाले व्यक्ति की एक रुपया एक ईंट दे करके मदद करते थे, ताकि वो नया व्यक्ति उन ईंटों से अपना घर बना सके और उन दिए गए पैसों से अपना व्यापार चालू कर सके, अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके, ताकि किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। आइए अब आपको भवन के अंदर से दर्शन करवाते हैं। इस धाम में काफी दार्शनिक स्थल बने हुए हैं। इस भवन में मुख्यतः तीन पंख हैं। प्रथम पंख माँ लक्ष्मी का, जहां अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, मैया रानी के बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन, बहुत सुंदर मैया रानी का भव्य श्रृंगार, दर्शन कीजिए आप सब। बताया जाता है कि महाराज अग्रसेन ने माँ लक्ष्मी की तपस्या की थी और उस तपस्या से खुश होकर के मैया रानी ने महाराजा अग्रसेन को वरदान दिया था कि तुम्हारे कुल में सदैव सुख संपत्ति वैभव बना रहेगा। आइए अब करते हैं दर्शन मैया रानी की
अखंड ज्योति के। ये अखंड ज्योति माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी मैया की, साथ में ही श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये विशाल झांकियां, ये लाइट से चलती हैं। ये दूसरी झांकी, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर पत्थर के अंदर कारीगरी की गई है। ये महाराज अग्रसेन के दरबार की एक झांकी, जिसमें महाराज अग्रसेन दरबार में उपस्थित याचकों की फरियाद सुनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर झांकी। यहाँ भवन के अंदर अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये कुछ और झांकियां, और अब हम जो भवन के अंदर बाईं ओर का पंख, जिसमें श्री अग्रसेन जी महाराज विराजमान हैं, आइए करते हैं दर्शन। बहुत सुंदर स्वरूप, सिंहासन पर विराजमान श्री अग्रसेन जी महाराज। ये बांके बिहारी जी के दर्शन, साथ में राधे रानी। ये श्री राम दरबार, दर्शन कीजिए आप सब। और ये तीसरा पंख, जिसमें भवन के दाहिनी ओर दाएं पंख में माँ सरस्वती जी विराजमान हैं। माँ सरस्वती जी के बहुत सुंदर दर्शन, हाथ में वीणा लिए हुए माँ विराजमान हैं। ये श्री कृष्ण जी के साथ रथ पर अर्जुन की बहुत सुंदर झांकी बनी हुई है। आइए अब चलते हैं गुफाओं की ओर। इससे आगे गुफाओं में बने बाबा बर्फानी व तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए व शक्ति सरोवर के दर्शन करने के लिए हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।